Hello friends, today we are going to study chapter number 12, area related to a circle, standard 10 max, okay. Now this is my fair notebook और ये मेरा rough book है. तो पहले हम chapter number 12, area related to a circle. अब कुछ ना कुछ चीज़ हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे सर्कल के बारे में 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको फिर से रिवीजन करवाता हूँ. सपोज़ ये हमारा सेंटर है सर्कल का, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये बन गया हमारा रेडियस. और एक और रेडियस मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये हमारा रेडियस बन गया. अब देखो कैसे पता चलता है कि रेडियस है, जैसे कि ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, दैट इज़ कॉल्ड द सेंटर. ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, हम नाम दे देते थे ओ, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. यहाँ पर स्टूडेंट्स किसी को भी मतलब कि याद नहीं रखना है, सब कुछ समझना ही है हमें. और अगर आप जितना ज़्यादा आप समझोगे तो ही आपको इतना पता चलेगा, इसीलिए आप समझने की कोशिश ही करना है. क्योंकि क्वेश्चंस जो भी बोर्ड में आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो लॉजिकल क्वेश्चन ही बनेगा, और इससे आपका मैथमेटिक्स पावर, मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा आपका 10th का 11th का 12th का. और हायर स्टडीज़ में जो जो सर्कल के रिलेटेड जो भी कुछ आपको पढ़ना होगा, उससे ये छोटी छोटी चीज़ अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत ही काम आएगी. अब देखो ये मैंने फिक्स्ड पॉइंट कर दिया. अब फिक्स्ड पॉइंट से पॉइंट ऑन द सर्कल, ये मेरा ऑन द सर्कल पॉइंट ए मैंने बना दिया, यहाँ बी बना दे, यहाँ कहीं पर भी सपोज़ मैं यहाँ पर सी बना देता हूँ, ये मेरा डी है सपोज़, कुछ भी, तो इक्वल डिस्टेंस ही मिलेगा हमें. मतलब कि रेडियस हमेशा हमें इक्वल डिस्टेंस पर ही मिलेगा. यहाँ पर मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया, ये हमें इक्वल डिस्टेंस पर ही मिलने वाला है, ठीक है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ओ ए या ओ डी या ओ बी ले लो या ओ सी ले लो या ओ ई ले लो, ये सारी लेंथ हमें इक्वली मिलेगी, ओके. सो दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब बात आई डायामीटर की, रेडियस के बारे में आपको मैंने बता दिया, अब डायामीटर की बात आई. तो डायामीटर में ये आपका डायामीटर है, ये आपका डायामीटर है. सपोज़ के ये आपका, समझो कि ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है, और सपोज़ के ये आपका रेडियस है. एक और रेडियस में बना देता हूँ, ये भी रेडियस है, तो ये आपका डायामीटर हो गया. और एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने की कि डायामीटर पासस थ्रू फ्रॉम वेयर, इट पासस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब ये डायामीटर क्या कर रहा है मालूम है, डायामीटर सर्कल के दो इक्वल पार्ट कर देता है. देखो डायामीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये दो पार्ट्स आपको जो मिल रहे हैं वो इक्वल पार्ट में, मतलब के सर्कल का विभाजन होता है इक्वल पार्ट में, एंड दैट ऑल्सो डायामीटर डिवाइड्स, ओके डायामीटर. तो डायामीटर पासस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर यहाँ पर एक लेंथ में यहाँ पर ड्रॉ कर दो तो ये डायामीटर नहीं है, ये मेरा कॉर्ड है, CHORD कॉर्ड है, ओके. और ये मेरा जो है वो डायामीटर है, ये हो गया मेरा डायामीटर. तो अब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि AB एक डायामीटर है बिकॉज इट पासस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. और टू टाइम्स अगर मैं जब भी रेडियस लेता हूँ, टू टाइम्स रेडियस OA और OB, मतलब कि टू टाइम्स रेडियस इक्वल टू मेरा एक डायामीटर बन गया, ओके. तो रेडियस इज इक्वल टू व्हाट नाउ, डायामीटर बाई टू, मतलब रेडियस इज हाफ ऑफ डायामीटर, रेडियस इज हाफ ऑफ डायामीटर, एंड डायामीटर इज वॉट, टू टाइम्स रेडियस, ओके. एंड दिस इज द कोड ऑफ द सर्कल, दिस इज ऑल्सो द कोड ऑफ द सर्कल. इट इज नॉट अ डायामीटर, इट इज अ लाइन सेगमेंट, दिस ऑल्सो इज अ लाइन सेगमेंट, बट दिस पासस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस डायामीटर पासस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज वाई इट डिवाइड्स इन टू टू इक्वल पार्ट्स. बट कोड डज नॉट पासस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो इट डज नॉट डिवाइड्स द सर्कल इन टू टू इक्वल पार्ट्स, बट इट डिवाइड्स द सर्कल इन टू टू पार्ट्स, इट डिवाइड्स द सर्कल इन टू टू पार्ट्स. सपोज दिस इज योर सर्कल, दिस इज योर सर्कल, सपोज दिस इज योर सर्कल, दिस इज योर सेंटर, दिस वे सी, दिस इज द कोड ऑफ द सर्कल, इट डज नॉट डिवाइड्स द सर्कल इन टू टू इक्वल पार्ट्स, इट डिवाइड्स द सर्कल बट नॉट इक्वल पार्ट्स. बट वॉट डज द डायामीटर डू, डायामीटर डिवाइड्स द सर्कल इन टू टू पार्ट्स. नाउ इफ आई से यू कि एरिया ऑफ अ सर्कल,
एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल. एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल. एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल मीन्स व्हाट. सेमी सर्कल मीन्स दिस पार्ट डायमीटर डिवाइड्स दिस सर्कल इंटू टू इक्वल पार्ट्स. सो दिस बोथ आर सेमी सर्कल. दिस वन पार्ट दिस मच इज सेमी सर्कल. अनदर पार्ट इज सेमी सर्कल मीन्स दिस इज योर सेमी सर्कल. सपोज दिस इज योर डायमीटर. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो दिस विल बी कॉल्ड वॉट सेमी सर्कल. अनदर पार्ट ऑफ सेमी सर्कल इज वेयर दिस मच. ओके. एंड एरिया ऑफ अ सर्कल. एरिया ऑफ ए सर्कल इज वॉट पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ ए सर्कल इज वॉट पाई आर स्क्वायर. सो वॉट विल बी द एरिया ऑफ दिस मच पार्ट ओनली दिस पार्ट एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल. हाफ पाई आर स्क्वायर है ना. पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू. तो हाफ पाई आर स्क्वायर. सो दिस वॉज द बेसिक नॉलेज ऑफ सर्कल. ओके. हाँ एक और चीज. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल. पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल. पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल. पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल. या हम दूसरा एक और चीज उसको पहचानेंगे. सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. नाउ सी सपोज दिस इज योर सर्कल. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. नाउ दिस लेंथ. दिस लेंथ इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल. ओके. या यू कैन कॉल सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. सो द लेंथ ऑफ दिस सर्कल विल बी टू पाई आर. वॉट विल बी. इट विल बी टू पाई आर. वॉट द लेंथ ऑफ द सर्कल. लेंथ ऑफ द सर्कल विल बी टू पाई आर. ओके. एंड सेकंड थिंग वी नो डेट टू आर इज इक्वल टू डी. अभी हमने यहाँ पर ही हमने बात की थी कि टू आर इज इक्वल टू वॉट डी. टू टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू वॉट डायामीटर. टू टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू वॉट डायामीटर. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज टू पाई आर. तो वी कैन राइट दिस ऑल्सो इक्वल टू पाई डी. ये हम पाई डी के नाम से भी पहचान सकते हैं और टू पाई आर भी. वॉट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. ओके. सो स्टूडेंट्स नाउ कमिंग बैक टू एरिया रिलेटेड टू ए सर्कल. बिफोर स्टडिंग चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू ए सर्कल आई गेव यू सम आइडिया सम बेसिक आइडिया अबाउट द सर्कल. सो सपोज दिस इज योर सर्कल. सपोज दिस इज योर सर्कल. पुट दिस एज ए सेंटर ऑफ द सर्कल एंड नेम्ड एज ए ओ. नेम्ड एज ए ओ. एंड दिस इज योर रेडियस. अगेन दिस इज योर रेडियस. आई एम पुटिंग पॉइंट ए ऑन द सर्कल. पॉइंट बी ऑन द सर्कल. ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओ बी इक्वल टू रेडियस. ओ ए इक्वल टू रेडियस. सो ओ ए इज इक्वल टू वॉट. ओ बी. बिकॉज द लेंथ ऑफ द रेडियस विल बी ऑलवेज इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू रेडियस. ओके. एंड वॉट विल बी माई ए बी. ए बी विल बी इक्वल टू माई डायामीटर. डायामीटर. इट पासस ओनली थ्रू. इट पासस ओनली थ्रू. डायामीटर ऑलवेज पास थ्रू सेंटर. इट पास थ्रू सेंटर. ओके. नाउ देयरफॉर टू टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर. टू टाइम्स रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर. और वी कैन से एज रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायामीटर. ओके स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए सर्कल. एरिया ऑफ ए सर्कल. एरिया ऑफ अ सर्कल. व्हाट विल बी एरिया ऑफ ए सर्कल. एरिया ऑफ ए सर्कल विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ ए सर्कल विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. And what will be the area of a semicircle? Area of a semicircle. Area of a semicircle will be equal to half pi r square. Okay? Half pi r square. अभी मैंने जैसे बताया कि area of a circle is equal to pi r square and diameter divides the circle into two equal parts. अगर area of a circle pi r square है तो what will be the area of an half circle मतलब semicircle. It will be equal to pi r square. This is your semicircle. This is called your semicircle. This will be your center and this part is your semicircle.
Now we will study circumference of a circle, या we will study perimeter of a circle. Circumference of a circle, या you can named as a perimeter of a circle also. Perimeter of a circle. The perimeter of a circle is equal to what? 2 pi r. This is called the length of the circle. Okay? This part. This part. Okay? This is an perimeter of a circle. Okay? This is a perimeter of a circle. This one is perimeter of a circle. We can name it as a 2 pi r. Also, we can name it as a pi d. Why pi d? By pi d, because 2r is equal to d. Here also we have studied, get 2 times radius is equal to diameter. Okay, so these are the basic needs we have studied in standard 10th or 8th also and 9th also. So yahan par jo basic things thi wo maine aapko bata diya. Ab baat aa rahi hai uske baad ye basic needs thi, ab chapter ki baat aa rahi hai, area related to a circle. तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे. तो एनसीईआरटी के टॉपिक में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा सेक्टर के बारे में. लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल यहाँ पर है, वो एग्जांपल जरा हम बता देते हैं. ओके, एग्जांपल क्या है हम बता देते हैं. हाँ, एक दूसरी बात कि यहाँ पर एनसीईआरटी में पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपको पढ़ना है. इसमें कहीं पर भी आपको एक भी लाइन रह ना जाए, वो भी आपको ध्यान रखना है. क्योंकि यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है, या 3.14 अप्रोक्सीमेटली भी आप बोल सकते हो कि ये पाई की वैल्यू रहेगी आपकी. ओके, फिर द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट और सी 476-500 गेव एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई. तो हु गेव द वैल्यू ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू किसने बताई थी. ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है. तो पाई की वैल्यू आर्यभट्ट ने दी थी, और ये आपको एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पढ़ना है. एंड ही स्टेटेड दैट पाई इज इक्वल टू 62,832 डिवाइडेड बाई 20,000, विच इज़ नियरली इक्वल टू 3.14. इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 भी आप लिख सकते हो, और 3.14 भी आप लिख सकते हो. एंड पाई इज एन इरेशनल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब के नॉन रिपीटिंग है. ये आपको एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इस तरह से आता है. अब बात आई एग्जाम्पल नंबर 1 की. ओके फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कल फील्ड. अब मैं यहाँ पर थोड़ा आपको रफ वर्क करके बता देता हूँ, ठीक है, रफ वर्क में, ताकि आपको पता चल जाए. 1 मिनट, रफ वर्क में आपको ये आराम से पता चल जाएगा. ओके, ओके, अब क्या है, थोड़ा ध्यान देते. हाँ, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड. हमें सर्कुलर फील्ड को क्या करना है, फेंसिंग करना है.